Are you scared, huh? ये भाई का थैंक यू कर देंगे यार। पीटर बेल्ट का वेट हो रहा है, वेट होप वाली स्केल है ये। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला ही होनी चाहिए। वेट वेट करते थे ना, अभी वेट उससे भी ज्यादा हो गया, लेकिन कोई चक्कर नहीं है, निकलते हैं यहाँ से लेके ऊपर वाले का नाम। ट्रेलर ऐसा लग रहा है जैसे ना पीछे को खींच के लेके जा रहा है ट्रेलर। ये देखो एम्प्टी वाले मौजे कर रहे हैं, इतना सारा वेट लेके ना मैं लॉन्ग नोज कैड की मोटर वाले ट्रक के ऊपर भी एक बार ऊपर चढ़ाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि उसमें कितनी जान है या कितना फर्क है उसमें। आठवा गियर 40 की स्पीड है, अभी 40 से भी नीचे आएगी। बस यही सबसे सबसे गंदे वाली यही चढ़ाई है बस। खत्म हो गया ट्रक, देखो 30 पे फुल एक्सीलेटर नहीं देना है, एक्सीलेटर थोड़ा सा पैर उठा के रखना है क्योंकि एक्सीलेटर ज्यादा देने से ट्रक ज्यादा नहीं भागेगा लेकिन इंजन को प्रॉब्लम होगी उससे। पच्चीस की स्पीड हो गई। और ये देखो सामने जो आ रही है ना सुपर भी, ऐसी स्पीड होती है ऊपर से, ये भी पूरा लोडेड है बंदा। 2 किलोमीटर बाकी है लेकिन 20 की स्पीड पे 2 किलोमीटर निकले हैं कब। हल्का लोड देखो कैसे मजे से जा रहा है, ये गया आराम से 40-50 पे। जितने भी मैंने आज तक ट्रिप लगाए ना सबसे स्लो मैं आज जा रहा हूँ कोका हिल के ऊपर। आजा भाई साइड से आजा, मेरा कोई कसूर नहीं है। ये भाई का ट्रक तो रास्ते में ही रुक गया, इसको कोई प्रॉब्लम हो गई है। ये भाई का कूलेंट लीक हो गया। चौथा गियर डालना पड़ा मेरे को चौथा, मैं तो रोक ही लेता हूँ यार 2 मिनट यहाँ पे, मैं भी अपने ट्रक को साथ चला लेता हूँ। बहुत बुरा हाल है यार, वजन बहुत ज्यादा है यार। शुक्र है बाबा जी, लेकिन पूरी चढ़ाई पे याद रखना ब्रेकें खींच के जाना यहाँ से। कोई पुलिस वाला आपको कुछ नहीं बोलेगा अगर आपने साइड पे लगाया हुआ है। मेरे को किसी का मालूम नहीं है, जो लोग किसी का ट्रक चलाते हैं उनकी चलानी में थोड़ा सा फर्क हो जाता है बहुत सारे बंदों का, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि मैं किसी का ट्रक चला रहा हूँ। मेरे को लगता है कि ये मेरे पास है तो मेरा ट्रक है। देखो भाई योर लगा हुआ आ रहा है, देखो ओ काट के गया, काट के गया, काट के गया। ओ भाई सुपर भी है इसका, देखो कितना योर लगा हुआ है, बहुत आराम से जा रहा है ये भी। कोका कोका कोका, ओ भाई उसको ओवरटेक करने में लगा हुआ है लेकिन ओवरटेक हो नहीं रहा, इसलिए यहाँ पे तीन लेने। ये देखो सुई देखो कहाँ पे आई है, अभी ऐसा लग रहा है जैसे बोल रहा है कि हाँ भाई अभी ठंड पड़ गई, लेकिन इसको क्या मालूम है कमले अभी तो स्टार्टिंग हुई है। मेरे को चाय पीनी है, रेस्ट एरिया है, लेकिन ये रेस्ट एरिया है बहुत खतरनाक। मेरे को पक्का मालूम नहीं है कि इसमें ट्रेलर जाता है या नहीं जाता, लेकिन आज गुस्सा रहा हूँ, देखो कितना खतरनाक लग रहा है। ओ भाई रुक जा, मैं आ रहा हूँ।
भाई बहुत मुश्किल से आया अंदर। डर गया भाई, एक बार तो मैं पूरा डरा हुआ था, लेकिन उसकी जो क्लीयरेंस है ना, क्लीयरेंस बिल्कुल सही लिखी हुई थी ऊपर। अपना शेर बग्गा कितने खतरनाक काम कर रहे हैं यार, लेकिन हैरान मत होना, 445 का बोर्ड लगा हुआ है ना, 4.1 पे भी आप रीफर वैन को नीचे से निकाल सकते हो। ये तो हाइट बहुत ज़्यादा थी, बस थोड़ा सा रास्ता टाइट था, ट्राई एक्सल था ना, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हुई। तो ये है फेमस चाय की टपरी, कितनी ज़बरदस्त बनाई हुई ना, उसका ऑर्डर देने का स्टाइल देखना, कहाँ ये कहाँ से आई हुई इतनी दुनिया। हेलो, आर यू स्केर्ड? Any chicken burger or sandwich something? I'm coming all the way from Winnipeg, Manitoba. From Manitoba? Yes. Took the U-turn just for the tea. Just for the tea? California toh keda border cross kita? Acha BC wala. Bhai milo. कितने लंबे चलते हैं भाई लोग, हमारा होता है भाई सुबह जाके घर में आ जाते हैं शाम को, फिर बाद में हम मेरे जैसे भाई चलाते हैं कि भाई पैसा नहीं बनता पैसा बनाना रोड पे तो निकलना पड़ेगा भाई। यू गाइस विल बी ऑन YouTube सून बिकॉज़ योर मसाला टी, आई अप्रिशिएट यू गाइस एंड थैंक यू गाइस फॉर मेकिंग ए गुड बर्गर। बर्गर बर्गर हुई पड़ी है, किसी को थोड़ी सी इज्जत दो तो अगला भी आपको इज्जत देता है, एक्चुअली सही भी बात है। जितने भी भाई लोग अपने को देखते हैं यार, चाय पकड़ा करो मसाला टी। तो ये कौन सा कोका हिल जो आप क्यूज वाला ब्रेक चेक, अभी जाके टेंशन फ्री हुआ हूँ भाई, अभी जाके। ऐसे वाला जो रिस्क होता है ना, ये कंपनी के खाते में नहीं होता, कोई भी बात होगी ना सीधा मेरे गले के ऊपर हाथ आएगा, क्योंकि मेरी गलती है, लोडर ट्रेलर को ऐसे घुसा रहा हूँ छोटी से रास्ते में। कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए ऐसे काम के लिए, हर रोज ब्रिजों के नीचे से निकलते हैं कि हमारी हाइट कितनी है, सामने ब्रिज पे कितना लिखा हुआ है। मैं तो सोचा, मैं बोला भाई लग गई फोटो अपनी भी अखबार में, लेकिन शुक्र है बाबा जी का चढ़ती कड़ा। लगी ना ब्रेकें, अभी पहले किसी को प्रसाद दिया है, मेरे ख्याल में स्पीड की टिकट होगी। यहाँ पे टिकट जो मिलती है ना मोस्टली स्पीड की होती है, ट्रकों वालों को 50 के बोर्ड लगे हुए ना। एक बंदा आ रहा है मेरे साथ में, मेरी लैंड क्रॉस करके मेरी तरफ घुसने की कोशिश कर रहा है, उसको एक ट्रक वाला ओवरटेक कर रहा है। ये तीसरे ट्रक वाले की गलती है, दो लाइने दी हुई है भाई उन्होंने, तू तीसरी लाइन में जाके उसको ओवरटेक कर रहा है, उसका ट्रक मेरे ट्रक में घुसने वाला था, मैं उसकी गलती निकाल रहा हूँ। लेकिन मैंने जब इसके टायर देखे ना, तब मेरे को मालूम हो गया ये तो गलती इसकी है बंदे की, कितना नीचे जाना है मेरे को। कोई ब्रेक नहीं यूज कर रहा, कोई कुछ नहीं यूज कर रहा, बस पेशियंस यूज कर रहा हूँ, पेशियंस। अगर अलाउड हो ना यहाँ पे, तो मैं खाना बना सकता हूँ, मैं सब्जियां काट सकता हूँ, फ्री हूँ मैं। आज ना ऊंट पहाड़ के नीचे आया, एक्चुअली मैं जितनी बार भी आया ना, थोड़ा वजन उतना ज्यादा नहीं था, आज मेरे को रियलाइज हो गया कि गुरजिंदर वो एडवेंचर वाला भाई है ना, जिनके अपने ट्रक होते हैं, वो क्यों ये वाला रोड स्किप करके उधर से आते हैं। वो बिल्कुल सच्चे है भाई, बिल्कुल सच्चे, कानों में जब्बे आके कानों में पा पा पू पू ऐसी आवाजें आ रही है। प्लीज लिमिट यूर स्टे टू 1 आवर। मेरे तो कानों में भाई आवाजें गूंज रही है। ये देखो ये सही है, बोलते हैं साइकिल लेके आओ, ट्रक में आने का कोई फायदा नहीं है इतना वजन लेके। ये वाला जो ब्रेक चेक है ना, इसके 15 मिनट बाद दूसरा ब्रेक चेक आएगा। देख लो भाई कोई धुआं नहीं निकल रहा। YouTube तो वाह देखी था, धन्यवाद। ये सामने स्केल है वेस्ट बाउंड की, ये भी सामने स्केल है, वो देखो ओपन का बोर्ड लगा हुआ आ रहा है ना, तो ये सामने स्केल वाला है, वो देख के कि ये बंदे ने सही से चेक नहीं किया, नीचे उतर के ना ब्रेकें टेस्ट किए, वो इसको कॉल कर देता है ये वाली स्केल वाले को, तो फिर भाई ये रोक के फिर भाई आपकी गर्दन पे रखता है अपनी टांग। ऐसा सारे बोलते हैं, मेरे को मालूम नहीं सच्चाई कितनी है इसमें। गोरी है ट्रक में, उन्होंने तो भाई दिल खुश कर दिया यार, लॉन्ग नोज पीटर बेल्ट लेके घूम रही है गोरी, वाह बहुत तेज निकली थी मेरे पास में।
ये भाई के पास में जगह थी आगे 5-7 फुट, लेकिन ये भाई ने आगे नहीं किया और मैंने अभी रास्ता ब्लॉक किया है। ट्रक की लाइटें मैंने ऑन ही छोड़ दी है। अगर कोई बंदा आएगा, किसी को प्रॉब्लम होगी तो वो हमको उठा सकता है। इससे ज्यादा पास मैं नहीं कर सकता अभी इसको। सिक्का मूस वाले हस्की के ऊपर रात को पैर रखने के लिए जगह नहीं है। बोर्ड लगाए हुए हैं टो अवे जोन, टो करा के कहाँ भेजोगे, इतने सारे ड्राइवर हैं, जाएं कहाँ पे। मैंने आज पहले दिन स्टारबक्स की कैपुचिनो ली है, फ्रैपुचिनो ली है ठंडी वाली, और इकलौता ट्रक स्टॉप है पूरे सिक्का मूस में। लेकिन एक और बुरी खबर है, मैंने मुंह हाथ धो लिया है। और दूसरी बुरी खबर ये कि आगे लैंडस्लाइड हुई है, यहाँ से 100 किलोमीटर होगी तेरी जरूरत पड़ गई है। ये मैंने आपको बताया कि नहीं बताया? वाह भाई वाह, जिंदगी तो तेरी है भाई, हमने तो ऐसी जगह घेरी है। यस, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऑयल चेक ही नहीं करता ट्रक का। गर्मियां होती है ना या सर्दियां होती हैं, तो मैं अपना ट्रक ऑटो स्टार्ट पे लगा के रखता हूँ। जब एसी ठंडा कम करता है उसी टाइम ट्रक अपने आप स्टार्ट हो जाता है। इसमें ना उन्होंने सील नहीं लगा के दी, तो कल रात को भी मेरे को टेंशन होती रही, इसलिए अपने पास से मैंने एक सील इसको लगा दी है। कुछ खाने पीने वाला सामान नहीं है इसमें, भारी सामान है, भरोसा नहीं है आजकल। वाह क्या बात है भाई, आज के 13 घंटों में अपने पास सफर है 1073। ये भी काइंड ऑफ एक कॉफी की तरह ही होता है, वनीला फ्लेवर लेके आया हूँ मैं। भाई साहब ने एक लाइन बंद की हुई, यहाँ से थक गया हूँ, बहुत सफर किया, 100 किलोमीटर किया। अल्बर्ट कैनियन चेना पेरिया, यहाँ पे मेरा ये ट्रक खड़ा है ना, वहाँ पे अपना ट्रक खड़ा है देखो, और 7% की ग्रेड है। पीछे लाइटें चल रही हैं, तो आपको चेन डाल के ही जाना पड़ेगा यहाँ से आगे। ये भाई बहुत हार्ड जॉब होती है ये भाई का थैंक यू कर देंगे यार। थैंक यू मैन, थैंक यू। ये बड़े हार्ड तरीके से अपनी जॉब कर रहा है। मैं आधे घंटे से यहाँ पे खड़ा था, ड्रोन उड़ाई थी ना अभी, तो मैं इसको देख रहा था। ये देखो घुमा दिया इसने। एप्रिशिएटेड, काफी बुजुर्ग बंदा है यार, बड़े तरीके से जॉब कर रहा है। उधर अंकल जी थे, इधर बहन जी खड़े हैं। लड़कियों को इसलिए खड़ा करते स्टॉप साइन देके कंस्ट्रक्शन वाली जगह पे, ताकि जो हर एक ड्राइवर की अट्रैक्शन उनके ऊपर जाए और उनके हाथ में जो साइन पकड़ा हुआ उसके ऊपर जाए कि स्टॉप करना है या स्लो स्लो चलना है। बाकी भाई मैं पक्का नहीं बोलता, लेकिन ऐसे मैंने सुना है। ये वाला जो एरिया, ये देखो सामने वाला, यहाँ पे रात को मड स्लाइड होगी थी। ये मिट्टी मिट्टी है ना रोड के ऊपर, तो कल रात को जब हम सो गए उसके उस टाइम पे ये वाला रोड बंद हो गया था। लेकिन जो बंदे बीसी में चलते हो, तो आप ड्राइव बीसी में चेक कर सकते हो कि आप जहाँ पे जा रहे हो कल सुबह, जहाँ आगे जाना है वहाँ पे रोड की हालात क्या है। यहाँ पे कुछ मालूम नहीं कब लैंड स्लाइड हो जाएगा, कब मड स्लाइड हो जाएगी, तो रोड बंद हो जाता है। हर एक सेकंड पे अपडेट करते रहते हैं आपको। डबल येलो लाइन है ना, तो ऐसे वाली मूर्खता ही मत करना कभी भी। क्या फर्क पड़ेगा, आगे जाके पासिंग लेन आएगी भाई तेरे को। किसी बंदे का पेशेंस चेक करना है ना, उसको गर्दन से पकड़ के ट्राई एक्सल ट्राला दो, बीसी वाली साइड में भेज दो, कैलगरी से बीसी वाली। पालू पालू पालू।
टिम हॉर्टन बुला रहा है भाई, टिम हॉर्टन। बाइकरों को देख के मेरा दिल खुश हो जाता है, वो देखो अकेला ही शेर खड़ा है। एडवेंचर भाई एडवेंचर, यही एडवेंचर है असली। ओ भाई 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 सुपर भी है भाई के पास में। एक छोटा सा मैंने एग्जिट मिस कर दिया कैलगरी के अंदर आगे, और अभी मेरे को शहर के अंदर से जाना पड़ रहा है, लेकिन कोई चक्कर नहीं है, अपने को रास्ता मालूम है। खुली है जमीना, दूर दूर तक कणक की खेती की हुई है, देखो दूर दूर तक। मेरे को मालूम था कि इधर एक ब्रेक चेक आएगा, लेकिन मेरे को मालूम नहीं इतनी जल्दी आ जाएगा। ध्यान से और सुनाओ। बहुत बढ़िया, कोई छोटी कंपनी ने जो ट्रक बनाया ना, मैं देख रहा हूँ। देखो भाई, थैंक यू भाई, तेरा थैंक यू। ट्रक पहचान के भाई ने स्पेशल ब्रेक मारी, और बस यही कमा रहे हैं, यही कमा रहे हैं बस आपका प्यार। 8% की ग्रेड है 2 किलोमीटर। देखो वेलकम टू ड्रम हेलर, और स्पीड है 50 की। ये देखो पुलिस वाला खड़ा है। और शुक्र है भाई, शुक्र है मेरे वाले ट्रक ने भी किसी को काटा है भाई, क्या बात है। सुपर भाई को काट दिया मैंने, सुपर बी को काट दिया, वाह वाह वाह। उसके पास में वजन बहुत हैवी है यार। भाई गया फ्यूल काम से, ये देखो हम वहीं खड़े हैं, यहाँ पे मिलता है भाई ढेर सारा फ्यूल। रिस्क तो नहीं कह सकते, लेकिन एक एक कैलकुलेशन होती है, तो मैं अपने ट्रक की कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करके रखता हूँ। मैंने बोला पी ले भाई जितना पीना है, खुली छुट्टी, जंग वाला मैदान बन जाएगा, अभी पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी सारे पंप के ऊपर। टोटल मैंने ट्रक चला दिया 1850 किलोमीटर एक टंकी से। ट्रक में आया भाई 760 लीटर। इतने बड़े बड़े लोड खड़े हैं अपने पास, देखो ये वाली जो पार्किंग खाली पड़ी हुई ना, उनपे लिखा हुआ रिजर्व पार्किंग, तो ये सारी अमीर बंदों की पार्किंग होती है। मैं ऑनलाइन चेक कर रहा था, $17 की है ये वाले पंप के ऊपर, किसी पंप के ऊपर $12 की। जीते रहो फ्लाइंग, ये वालों होश आ गई नहा के। ये टावल दिए थे 2-3 इन्होंने, ये नीचे पड़ा हुआ था पहले भाई। हमारा आज का हो गया भाई BC अल्बर्टा, अभी सस्केचवान भी खत्म हो गया, और गर्म पानी से नहा के थोड़ी सी होश भी आ गई। यहाँ तक देखिए तो लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ में। टिल देन अपना और अपने राह का ख्याल रखो, रब रखा। अगर जल्दी जल्दी में कोई चीज़ रह गई तो भाई माफ करो, थका हुआ हूँ यार। मेरी जो लॉग बुक थी ना, यहाँ से 10 मिनट पीछे खत्म हो गई थी, यहाँ से मैंने लेफ्ट टर्न लिया। टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है, जैसे मैं सुबह पूरे 10 बजे लॉग बुक स्टार्ट करके निकला था, 13 घंटे की ड्राइव होगी, 2 घंटे ऑफ टाइम ले सकता हूँ, तो कितना हो गया 15। ऑन टाइम मेरे को आज नहीं चाहिए था, ऑन टाइम होता है लोडिंग का, पिकअप का, व्हीकल चेक कर रहे हो वो वाला, अगर आपने वो नहीं डाला है तो आप उसको ड्राइव में यूज़ नहीं कर सकते। तो आज हमने सिर्फ सुबह 15 मिनट की PTI की है, और रास्ते में कुछ नहीं किया, सारा दिन ऑन टाइम के लिए 1100 किलोमीटर ऑलमोस्ट मैंने सफ़र कर दिया आज। आज का स्केड्यूल मेरे को इतना थका हुआ लगा, मेरे को मालूम नहीं मैं कहाँ से एनर्जी लेके आ रहा हूँ आपसे बात करने के लिए, लेकिन फिर भी पूरी एनर्जी है अभी। ऐसा करने से ना थोड़ी सी सुस्ती दूर होती है। अभी रात का 1:30 हो गया, अभी बस सब्सक्राइब करना है, बहुत मेहनत लगती है। बाकी ये रात को बाइक वाले कहाँ घूम रहे हैं भाई, ये ट्रकों का पंप है क्या हो गया तुमको।